My name is Abishek. I pursued mechanical branch from Delhi Technological University. I got placed in Escorts agri machinery. My package is 5 lakhs per annum. The profile offered was research and development, and the process consisted of 3 rounds. The first one was resume shortlist, जो cut off पे based था और 65% cut off था. दूसरा round जो था वो group discussion का था. जो लोग group discussion में select हुए, उसके बाद उन्हें personal interview के लिए बुलाया गया, जो final round था. The PI round consists of 2 type of question, first HR and second technical. Start जो है वो HR से हुआ, जिसमें उन्होंने बोला tell me about yourself, और उसके बाद उन्होंने हॉबीज से क्वेश्चन पूछा. फिर उन्होंने टेक्निकल राउंड शुरू किया, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट डिस्कस किया पहले, फिर उन्होंने ट्रेनिंग डिस्कस की, और फिर उन्होंने जो हमारे सब्जेक्ट है 4 साल के, उससे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे. जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो पहले तो ट्रेनिंग से डिस्कस किया उन्होंने, फिर प्रोजेक्ट से, और जो सब्जेक्ट से डिस्कस किया उसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ज़्यादा उन्होंने पूछा था, और जो ज़रूरी भी है. और उसके बाद उन्होंने मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग सबसे क्वेश्चन पूछा, और एक फेवरेट सब्जेक्ट उन्होंने पूछा था जिसमें मैंने थर्मोडायनामिक्स बोला था. और एक फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए जिसपे फुल कमांड होना चाहिए, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका नॉर्मल बस नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं होना चाहिए. आई वुड लाइक टू थैंक प्लेसमेंट बोर्ड फॉर लेटिंग मी शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. And for further queries about interviews and higher studies, subscribe Placement Board.